करनाल पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके उस पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ वीडियो या फिर भड़काऊ विचार लिख रहे थे। आपको बता दें कि करनाल पुलिस का आईटी विभाग इस समय पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। फेसबुक से लेकर ट्विटर और व्हाट्सएप तक हर किसी पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि सोशल मीडिया पर अगर कोई भड़काऊ विचार लिखता है, कोई भड़काऊ वीडियो अपलोड करता है या फिर व्हाट्सएप पर कोई वीडियो वायरल करता है जो किसी समुदाय के खिलाफ है या फिर आपत्तिजनक है, ता उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। पुलिस ने ऐसे ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ विचार लिखकर गलत प्रचार कर रहे थे। वहीं गलत वीडियो डालने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। पुलिस ने सख्त आदेश दे दिए हैं। अगर कोई भी गलत जानकारी या कोई अफवाह या फिर कोई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अब तक 47 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 67 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 1500 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं और 95 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर लोगों से वसूल किए गए हैं। बहरहाल पुलिस का सख्त आदेश है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि नाकों पर पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। अगर कोई भी इसकी अवहेलना करता है उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा काफी कोऑपरेशन जनता से इस लॉकडाउन का मिल रहा है। आप भी सारा दिन फील्ड में रहते हो और ज्यादा दिक्कत है कि किसी प्रकार की अफवाह ना फैले। कोई भी सोशल मीडिया पे कोविड-19 को लेके या किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेके कोई भी आपत्तिजनक और भड़काऊ कोई मैसेज या वीडियो बनाकर ना डाले। मैंने पहले भी कहा था इस संबंध में काफ़ी सीरियसली उसको व्यू किया जाएगा। कल भी एक मामला संज्ञान में आया इंद्री थाना एरिया का, रंदुल्ली गांव के कुछ लड़कों ने ऐसा एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाला और वायरल किया। कल ही उसमें मुकदमा दर्ज करके आज उन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम बलजिंदर और मोंटी, दोनों ये रंदुल्ली गांव थाना इंद्री क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऐसा ही एक और मामला आज संज्ञान में आया, जो फेसबुक पे एक लड़के ने, जो दीपक नाम है उसका, जुंडला का रहने वाला है, उसने भी एक इसी प्रकार का एक मैसेज अपने फेसबुक पे डाल के उसे वायरल करने की अपील की। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, बड़ा सेंसिटिव टाइम है और इस पूरे इस सिचुएशन को देखते हुए इस प्रकार का ना तो कोई अपने ग्रुप्स में ऐसे मैसेज शेयर करे, ना ही कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ कोविड-19 को लेके या कोई ऐसी मैसेज या वीडियो जिससे कुछ दो समुदाय में टकराव की स्थिति बन सके, ऐसी कोई भी कार्य ना करें। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको संज्ञान में ऐसे कोई मामला आता है तो तुरंत उसकी सूचना दें और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और इसमें कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं रूमर्स फैलाने से, देखिए एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ वो वीडियो बना के उन लड़कों ने डाला था कि कोविड-19 के संबंध में, तो किसी भी पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, इस प्रकार की टिप्पणी वीडियो या मैसेज डालना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शेयर करते हैं सर, उनके लिए भी यही मैसेज, जो ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो ग्रुप एडमिन की जिम्मेवारी है कि उसे इमीडिएटली डिलीट करे और उसकी सूचना पुलिस को। सर, शराब की तस्करी काफी बढ़ गई है, दो महिलाएं गिरफ्तार हुई स्कूटी में शराब बेच रही थी, कल भी 15 पेटियां बरामद हुई है, 800 रुपए वाली पेटी 3000 रुपए में बेची जा रही है, तो छोटे छोटे तस्कर हैं वो तो काबू आ रहे हैं, बड़े तस्करों पर क्या कुछ एक्शन लिया? देखिए, इसमें हमने सभी SHO को और हमारी CIs को भी काफी सख्त डायरेक्शन दे रखी है और जब से ये लॉकडाउन के बाद ठेके बंद हुए हैं तब से हमने करीब 18 मुकदमे इसमें कल रात तक दर्ज किए हैं और 23 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और 1750 के आसपास बॉटल्स रिकवर की गई हैं। काफ़ी जगह बड़ी मात्रा में भी रिकवरी हुई है, जैसे असंध में करीब 600 बोतल वहीं से रिकवर की गई हैं। तो यदि ऐसी भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत दें, इसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ठेके बंद हैं और कौन कैसी सप्लाई कर रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल को कोई ऐसी गलत या हुच हो सकता है कि शराब में कोई मिलावट हो तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये सभी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या जो इलाके हैं या गांव में जो सरपंच हैं, पंच हैं, मौजूद आदमी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने एरिया में इसका ध्यान रखें, अपने आँख कान नाक खोल के रखें। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, उसमें तुरंत कार्रवाई की मैं आपके माध्यम से उन सबको आश्वासन देना चाहता हूँ। सर, देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 24 तारीख से आज तक
कुल 47 मुकदमे अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, 67 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, 1505 वाहनों के चलान किए गए हैं जिसमें से करीब 550 को इम्पाउंड किया गया है, और इसमें जो मैं बताना चाहूँगा कि 95 लाख के आसपास फाइन अभी तक इम्पोज किया गया है 24 तारीख से अभी तक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana.